नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 7वां लेक्चर था रासायनिक बंधन। अब इसमें बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण व अवकरण। याद रखिए, जितने भी हम लोग लेक्चर ख़त्म करते जा रहे हैं रसायन विज्ञान से संबंधित, वो जनरल साइंस के नाम की जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। K2MnO4 में मैग्नीज की उपचयन अवस्था क्या है? तो याद रखिए, +6 K2Cr2O7 में Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +6 +6। ठीक है, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +6। KMnO4 में Mn मैग्नीज की उपचयन अवस्था क्या है? +7 +7। हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो याद रखिए, +2 +2। रासायनिक तत्वों में से किस तत्व एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम पर मैग्नेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन हो आता है? +7 से +2। ठीक, मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। आगे देखते हैं, ऑक्सीजिलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3 +3। ठीक है, Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1 +1। Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। ठीक है, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल कर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए? Ag चांदी, Cu कॉपर की अपेक्षा अधिक चांदी कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होती है। आगे बात करते हैं, एक पदार्थ जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। अवकरण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, अवकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से सहयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या अंतर पाया जाता है? वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता में क्या अंतर होता है? बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण में क्या संबंध होता है? एक साथ होते हैं। किन्हीं दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखें जो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों हैं। तो याद रखना, H2O2 तथा NaNO2
हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लोहे का पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। Fe++ की Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक Be+ है होती है या ऋणात्मक, तो याद रखना धनात्मक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑक्सीकरण व अवकरण में अंतर देखते हैं। ये ऑक्सीकरण है, ये अवकरण। ऑक्सीकरण की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन अलग होते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन सहयोग करती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का सहयोग होता है, अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है, अवकरण में इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात कम होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और अवकरण में विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। गैल्विनिकित लोहे पर किसका लेप होता है? जस्ते का। दो परस्पर संबंधित अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर प्राप्त संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है क्या कहलाता है? विद्युत अवघटनी सेल। वोल्टीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को सेट रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? साल्ट ब्रिज का। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड प्रभाव। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधक के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय धातु क्रम की चमत्कार। दिल्ली का लोहे स्तंभ। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहे कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहे स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के अनेक वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोहे स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी कि 6000 किलोग्राम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन सी धातु उत्सर्जन एनोड के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती है? जस्ता। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। शक्कर के विलयन से विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती है? क्योंकि उसका आयनन नहीं होता है। आगे बात करते हैं। चांदी का स्तर चढ़ाने के लिए कौन से विद्युत अवघटक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? याद रखिए क्लोरीन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 8 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ऑक्सीकरण
व अवकरण तक। ठीक है, बात करेंगे 9वें चैप्टर में हम लोग उत्प्रेरण की। ठीक है, याद रखिए।